मस्तिष्क में बोझ नहीं रखिए, संसार के कर्तव्य कर्म अपने पूरे करते जाओ, अपने बच्चों के भी, अपने परिवार के भी, अपने रिश्तेदारों के भी फर्ज पूरी करो, बहुत प्यार करो सबसे, मोह नहीं, चिपक मत जाना, वो तुम्हें छोड़ने को तैयार, तुम छोड़ने को तैयार नहीं, वो मुंह मोड़कर बैठ गए, तुम पीछे पीछे दौड़ रहे हो, वो तुम्हें अपना कहते नहीं है और तुम उन्हें अपना अपना कहते कहते उनके लिए मरे जा रहे हो, क्योंकि दुनिया की हर चीज आपको पकड़ती है, खींचती है नीचे की तरफ, चिपकती है आपसे, संलिप्त करती है, एडिक्शन पैदा करती है। इसलिए हर चीज जो अटैचमेंट को लिए हुए है उसके बीच में डिटैचमेंट को सीखना है। आपको कहा जाए कि आज ही छोड़कर जाना है तो तैयारी पूरी होनी चाहिए कि अच्छा भगवान तेरी मर्जी। जिसे कबीर कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्यों कि मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद, कि अभी तक तो आनंद मिला नहीं लेकिन पूर्ण परमानंद तो अब वही मिलेगा परमात्मा के शरण में, हम वहां जा रहे हैं। जिसने लोक सुधार लिया तो उसका परलोक भी सुधर जाएगा, ये ध्यान रख लेना। लोक सुधारने का तरीका क्या होगा? दुनिया में रहते रहते कर्तव्य कर्म अच्छे खूबी के साथ निभाते चले जाइए। तो ये ध्यान रखना, जहां से छूटोगे अगले जन्म में फिर वहीं से पकड़े जाओगे। मोह ममता में ज्यादा उलझे रहे तो जिस चीज का मोह था चीजें वहीं लेकर जाती हैं आपको। जिन भी चीजों में मोह था, मकान में, दुकान में रहा, मनुष्य बन नहीं पाया, चूहा बना तो अपने ही दुकान में बैठा मिलेगा, छिपकली बने चाहे कांकरोच बने, कितनी दवा छिड़क लीजिए उसके बाद में फिर वही आ जाता है वो मोह। न जाने कौन कौन सी योनियां देगा, मोह कटा। कहते हैं ना कि जब अर्जुन बहुत रो रहा था अभिमन्यु के लिए, तो कृष्ण भगवान ने उससे कहा कि अपने बेटे से मिलना चाहते हो ना, आंख बंद करके मिलो, देखो वो कहाँ है और क्या कर रहा है। देखा कि अभिमन्यु उसके सामने से धनुष बाण लिए हुए जंगल में ऐसे तेजी से भागा जा रहा है। अर्जुन उसको पुकारता है, बेटा सुनो सुनो सुनो, आवाज उस तक जा रही, वो सुनता ही नहीं। अर्जुन देखता है कि अभिमन्यु बिना सुने आगे जा रहा है, तो ये भी आंख बंद किए किए ऐसी दृष्टि देखता है कि ये भागकर उसके सामने खड़ा हो गया। बेटा क्या हो गया तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए कितना रो रहा हूं, कितने सपने देखे थे तुम्हारे लिए, तो मुझे छोड़ के भाग रहा है। तो अभिमन्यु अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, कौन हो तुम? जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी जिस दिन, उस दिन अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया था और यह कह दिया था अब लड़ूंगा नहीं। कृष्ण भगवान ने दोबारा से उसे जागृत किया था कि जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे वो ही नहीं रहा तो फिर किसके लिए करें। आदमी को जो है ना अपने बच्चों की जिम्मेदारियां दौड़ाती हैं सुबह से, ये जिम्मेदारियां भगाती है ना। माँ बाप को सोना तो उनको भी अच्छा लगता है, देर तक सोना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जल्दी उठ के भागते हैं, क्यों? जिम्मेदारियां भगाती हैं।
अपने लिए अपने बच्चों के लिए जी रहा है आदमी। पति पत्नी लड़ भी पड़े ना और पति कह दे निकल मेरे घर से, वो बेचारी अपमान सहकर फिर वापस आ जाती है और क्या कहती है, सब कुछ सह रही हूं अपने बच्चों के कारण। तो सब एक दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। और वो ही ना हो, जीने का रस चला जाता है। तो सामने आकर रोका उसने और कहा कि तू मुझे नहीं पहचान रहा बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। अभिमन्यु कहता है, अर्जुन मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम नहीं पहचान पा रहे। ये एक जन्म की कहानी ले बैठे हो, हमारी तो जन्मों की कहानी है। पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म में हम लोग मिले थे। कभी अनजान थे, कभी दोस्त थे, कभी दुश्मन थे, कभी भाई भाई थे। कभी ऐसा भी हुआ अर्जुन तुम बेटे बने और मैं बाप था। अगर याद ही करना है तो एक कहानी क्यों याद करते हो, जन्मों की कहानी याद करो। इतने सारे जन्मों की कहानी याद करो और देखो हम थोड़े दिन जिए, अभिमन्यु कहता है, लेकिन वो लकीर, वो रेखा खींच करके जिए कि रहती दुनिया तक अभिमन्यु का कार्य याद किया जाएगा। जिंदगी छोटी है या बड़ी, अपना काम ऐसा कर जाओ कि याद किया जाए। हमने तो कर दिया, अब जिम्मेदारी तुम्हारी। अब तुमने धर्म की स्थापना करनी है, धर्म को मिटाना है, दुनिया में दुष्टों की दुष्टता को खत्म करना है। मैं अपना फर्ज निभा गया, दुनिया के रंगमंच पर अब तुम्हारा नाटक शुरू होगा, तुम अपना अभिनय करो। एक जन्म की कहानी नहीं, जन्मों की कहानियों को याद करो। तो समझ में आ जाए, आदमी जागता है ना। अर्जुन को भी समझ आया, आंख खोली, देखता है सामने तो बेटे की लाश पड़ी हुई है। अब सोचता है ये सच है या वो सच था। तो समझ में आया कि सच वही है कि जो आत्मा गई है वो अपना कार्य पूरा कर गई दुनिया से। यहां की चीजें यही रह जाएंगे, आपकी या आत्मा की यात्रा तो आगे तक चलेगी। इसलिए अगर आप गीता का 8वां अध्याय पढ़ें, वहां भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि जन्म भी सुधारो, मरण भी सुधारो। जीना भी आ जाए तुम्हें, मरना भी आ जाए। मरो तो ऐसा मरो कि फिर मरना ना पड़े, और जियो तो ऐसा जियो कि तुम सदा के लिए जिंदगी बनाए रखो, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम दुनिया से जाओ नहीं, तुम्हारा नाम दुनिया में रहे। क्या कोई था ये सब कुछ कर गया। बालक ध्रुव अपनी तपस्या के कारण आकाश का ध्रुव तारक बन गया, नक्षत्र बन गया, स्टार बन गया। कभी वो कथा याद करोगे तो आप देखोगे भक्तों की लीला चरित्र वाली कथाएं जितनी भी आती है, उनका जो जीवन प्रतीक बना है संदेश देने के लिए। छोटी जिंदगी जियो या बड़ी जिंदगी जियो, क्योंकि ध्रुव बाद में राजा बने। राजा बन करके उन्होंने भक्ति धर्म दुनिया में फैलाया, और जब देह छोड़ी तो स्टार बन गए। और कितने अद्भुत कि विवाह संस्कार होता है तो वधु को वर उस समय इशारा करके बोलता है, ध्रुवम पश्य, ध्रुव तारे को देखो। पत्नी कहती है पश्यामि, फिर कहता अरुंधतिम पश्य, अरुंधति नक्षत्र को भी देखो। फिर वो कहती है पश्यामि,
फिर कहा जाता है पत्थर पर पांव रखो, आरोह एवं अश्मानम तुम स्थिरा भव, इस पत्थर पर पांव रखकर स्थिर हो जाओ। अब शिक्षा क्या है? कहता है कि ध्रुव तारे को देखो, आकाश में वो ध्रुव तारा आज भी दिशाएं दिखा रहा है, आज भी भटके हुए को राह दिखा रहा है। कि जीवन तो ऐसा होना चाहिए, मर्यादा और धर्म में पलकर ऐसे जियो कि तुम दूसरों को दिशा दिखाने वाले बन जाओ, तुम्हारा नाम ध्रुव की तरह से अटल हो जाए, कि ऐसे जियो। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 13 से 14 दिसंबर 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा 13 दिसंबर शोभा यात्रा प्रातः 8 बजे जोड़ा मंदिर से टाउन हॉल मैदान तक, भक्ति सत्संग प्रातः 10 से 12 बजे एवं सायं 4 से 6:30 बजे, 14 दिसंबर ध्यान साधना शिविर प्रातः 9 से 11 बजे, भक्ति सत्संग सायं 4 से 6:30 बजे, विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 14 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे, स्थान टाउन हॉल मैदान पूर्व बर्धमान, आयोजक विश्व जागृति मिशन बर्धमान समिति, संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 25वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 15 से 17 दिसंबर 2023 प्रातः 9 से 11 बजे सायं 5 से 7 बजे, विशेष कार्यक्रम 16 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे, सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे, 17 दिसंबर रक्तदान प्रातः 10 बजे, मंत्र दीक्षा समारोह 17 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे, स्थान पीसी चंद्रा गार्डन साइंस सिटी के सामने, आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट कोलकाता, संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 दिसंबर 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा 23 से 26 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे, 24 से 26 दिसंबर प्रातः 9 से 11 बजे, स्थान मोडेला मिल कंपाउंड LBS मार्ग चेक नाका थाने पश्चिम, विशेष कार्यक्रम 25 दिसंबर प्रातः 10 बजे, स्थान वरदान लोकाश्रम घोड़बंदर रोड थाने, आयोजक विश्व जागृति मिशन थाने मंडल, संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।